शायर उरूजी बयानी फसी बली अबलग 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 इल्मे हय इल्मे उरूज हिंदसा हिंदसा रमल रमल जफर जफर मंतिक रियाजी फलसफा हदीस उसूल हदीस फिका उसूल फिका तफसीर उसूल तफसीर सर्फ नहव मंतक बयान बदी बलागत बलागत ये सारे उलूम कैसे हैं? हाथ जोड़ के खड़े हैं अहमद रजा, हमें तुझ पे नाज है। और सिर्फ यही नहीं, हमने न फलसफी होने की वजह से अहमद रजा से प्यार किया, अगर करते तो इब्ने सीना से करते, और ना रियाजी दान होने की वजह से, ना मंतकी ना फलसफी ना मुदक्किक ना मुहक्किक फला फला, नहीं नहीं नहीं। लोग हमसे पूछते हैं अहमद रजा से प्यार क्यों किया, मैंने कहा इसलिए कि उसने रसूल से प्यार किया है, और जो रसूल से प्यार करे हम ऊंचा बोल, हमारा प्यार दाढ़ी से नहीं, हमारा प्यार सिर्फ पगड़ी से नहीं, हमारा प्यार जुब्बे कुब्बे से नहीं, हमारा प्यार शक्लो सूरत से नहीं, हमारा प्यार ओदे और पैसे से नहीं, हमारा प्यार किसी जनाब जमान मकान की वजह से नहीं, हमारे प्यार का सिर्फ एक ही मायार है, जो रसूल का यार है वो अपना यार है, जो सरकार का प्यारा है चाहे वो हबश का काला बिलाल ही क्यों ना हो। आया है अब कोई बिलाल से पूछे ना, बिलाल तुम तो हबश के हो ना, तो बिलाल कहते क्या हुआ, हूं तो मोहम्मद का ना, गोया कह रहे हो कि रंगते खूब चढ़ी नाम तुम्हारा देख रंगते खूब चढ़ी नाम तुम्हारा है रंगते खूब चढ़ी नाम तुम्हारा ले कर क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा ले कर क्या से क्या हो बस बात खत्म करता हूं। कौन अहमद रजा हुजूर के रोजे पे गए ना, किसी ने ताना मारा और नबी नबी करते ज़ियारत कितनी दफा की है। हाय 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 रो पड़े हुजूर के रोजे पे गए ना, हुजूर के रोजे पे गए जाके बैठे रोए 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 कलम हर कलम में आ रहे वो सुए लाला सार पीते गए तेरे दिन ए बहार पीते गए क्यों कर कोई तेरी हजार फिर देंगे हुजूर के रोजे पे रोजे पे रोजे पे आपने फरमाया तुझसे कुत्ते हजार से हजार एक बेईमान बोले देखा अहमद रजा ने अपने आप को कह दिया मैं कुत्ता हूं। मैंने कहा बिल्कुल अहमद रजा ने कहा है लेकिन बुश का कुत्ता नहीं मदीने वाले का कुत्ता। फिर भी तुझे मदीने वाले का कुत्ता तो नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जरा इमाम जामी को भी तू नसीहत लगा देना जिसकी शरा जामी पढ़ के तू आगे बढ़ता है। कौनों ने क्या लिखा, मैंने कहा इमाम जामी कहते सगत राकाश जामी नाम बूदे के आयत बर जबानत गाहे गाहे या रसूल अल्लाह काश आपका एक कुत्ता होता जिसका नाम जामी होता, आप कुत्ते को बुलाते इसी नाम इसी बहाने से जामी का नाम आपकी जबान पर आ जाए।
ये आशकों की बात है। और जड़े कोरे होने चिट्टे कोरे उन्होंने की पता बाबा, उनको क्या पता ये इश्क प्यार और मोहब्बत क्या शे होती है। तो खैर आला हजरत कहते हैं कि तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बोला ये देखो अपने आप को कुत्ता कह दिया, इंसान अशरफ उल मखलूकात है। मैंने कहा बोल क्या बोला, क्या बोला, बोलो सारे इंसान अशरफ उल मखलूकात। क्या मतलब है ओ जी, देखें इंसान तो सबसे अफजल है, इंसान तो सबसे आला है, इंसान तो सबसे कमाल वाला है, इंसान तो वो है जिसके पांव तले फरिश्ते पर बिछाते हैं, इंसान तो वो है कि जिसको कुदसी सलाम करते हैं, इंसान तो वो है जिसके लिए जिब्रील अमी खड़ा होता है, इंसान तो मैंने कहा अबे सारे इंसान ऐसे होते हैं। ये जरा मेरा मिजाज समझिए, और पढ़े लिखे लोग और कहो। मैंने कहा सारे तो इंसान है ना, मैं अच्छा अच्छा आ यही वो इंसान है जिसकी अजमत मेरा रब बयान करता है। मत्ती अल्लाह पांच कसमें खा कर कह रहे हैं इंसान सारे बोलो छोड़ अब होने तो खुश हो। इमाम शाफी के पास एक मसला आया, बंदे ने कहा इमाम शाफी मैंने एक बात की, उन्होंने कहा क्या बात की, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी बीवी से कहा कि तू अगर चन को लसोनी नौ में दे तो ना तलाक, तू अगर चन को लसोनी नौ में दे तो तुम तलाक। उन्होंने कहा फिर कहा मैं सारे फकीरों के पास बोला, उलमा के पास, मौलवियों के पास गया, उन्होंने कहा जाहिर तेरी बीवी चन को लसोनी तो हो नहीं सकती, लिहाजा छुट्टी ते छुट्टियां बाद याद आनी ने लोगों को। उस वक्त तो जोश में, तो फिर आके मसले पता है क्या पूछ देने हैं जी मैं गुस्से में सा ओ बंदे दे पुत्रो कदे प्यार नाल भी किसी तलाक दीती है गुस्से ची बंदा ची। फिर माशाल्लाह एक टीम ऐसी निकली, उन्हें कह जा रहे त्रयां तो बात काम हो जांदा है फारग, हुन बंदे कौन जे साडे नाल लगने को नहीं, उन्हें कह आओ साडे दा राज आओ त्रयां बाद भी काम टुरसी। मैं कह बिल्कुल उन्होंने त्रयां बाद जेड़ा भी होसी ओ तुहाडे नाल ही टुरसी। गल में कर रहे हैं, मैं तो सीधी सीधी गल करने वाला बंदा, यही मेरी चुभदियां गल्लां लोकां नूं। तो सुनो 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 बात क्या कह रहा था इमाम शाफी, क्या कहा उलमा ने, कहा हजरत मौलवी ये कहते हैं कि छुट्टी हो गई, फरमाया जा तेरी बीवी ये ले जा, कोई छुट्टी छुट्टी नहीं। सारे लोग इमाम शाफी के पास आ गए, भाई आपने कैसा फतवा दे दिया, कोई दलील दें कैसे दे। आपने फरमाया आओ मेरा रब कहता है वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन लकद खलकनल इंसाना फी अहसनी तकबीर। कम से कम सुन्नी अपना ये मिजाज बनाओ ना। आप पे ये इल्जाम लगता है जी कि ये कुरान नहीं पढ़ते, कम से कम हमने तो वो इल्जाम धो दी है, हम पढ़ने वाले हैं। जरा आप अब ये भी जरा मयार बनाए कि हम पढ़ते भी हैं और हम सुनते भी हैं। कुरान पे झूम उठाओ। इमाम शाफई ने फरमाया देखो अल्लाह फरमाता है वत्ती कसम है तीन की जैतून की तूर सीना की इस अमन वाले शहर की नाम ताकीद का कद ताकीद का ये भी कसम है पांच कसमें खाकर मेरा रब कहता है ओ प्यारे मदनी मैं कसमें पांच खाकर कहता हूं इंसान सबसे सोहना है।
इंसान ऊंचा बोलो सारे बोलो भाई। इमाम शाफी ने फरमाया जब कुरान कसम खा के कह रहे कि इंसान सबसे सोहना है तो कुड़ी भी तो इंसान ही है ना, लिहाजा जब ये सबसे सोहना है तो पता चले चंद तो भी सोहना। अब अगर जी नहीं मैं देखता हूँ चंद सोने में आठ, या तेरी नजर की बात नहीं रब की नजर की बात है। इसलिए मेरे शेख मेरे सैयद मेरे मुर्शिद हुजूर क़िबला आकाई सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब अल्लाह आपका साया तादेर अहले सुन्नत के सरों पे सलामत रखे, आप फरमाया करते हैं बेटा इसीलिए अल्लाह के किसी बंदे से नफरत न किया करो। अल्लाह के किसी बंदे से बोलो न रंग से नफरत न चेहरे से नफरत। हाँ अगर किसी के किरदार गलत है तो उसके किरदार से नफरत करो, उसकी जात से नफरत न करो, क्योंकि बेशक ये रंग का काला ही क्यों ना रब तो प्यार करता है ना इसे, रब ने तो उसको प्यार करा। बेशक अगर कोई भींगा है रब का प्यारा है, लंगड़ा है रब का प्यारा है, लूला है रब का प्यारा है, बहरा है रब का प्यारा है, इसलिए कि इंसान में ये भी है और रब ने कसम खा के फरमाया है कि ये सबसे सोना सोना। मैं गल रोक के बड़ी शे होती ना मेहनत ना दे ते उसका कदर भी ज्यादा होती है, तो ये बिग पॉइंट है जिसको कहते हैं ना बिग पॉइंट, ये बड़ा नुक्ता है। और अगर यही आपको समझ आ गया आप उठ के बेशक जा सकते हैं, आपको मेरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ मिल गया। और अगर ये मेरा जुमला आपने जाया कर दिया समझे। अब भाई अल्लाह कसम खा के कहते हैं इंसान ऊंचा बोलो यार, और लाम और कद की ताकीद और ताकीद को अलग बनाए तो छह कस्में बनती है, जुमला इस्मिया बनाए तो सात कस्में बनती है। मेरे रब ने कस्में खाकर फरमाया इंसान सबसे ज्यादा, दूसरी जगह मेरा रब फरमाता है वलकद करमना बनी कुरान पे थकिया था ना करो यार, कुरान पढ़ के तो बंदा झूमता है और जरा झूम के सुना।